हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा बायो वाले गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में यानी सजीव जगत के बारे में पढ़ा था, और आज दूसरा टॉपिक है जैविक वर्गीकरण यानी सजीवों का वर्गीकरण। जितने भी इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे सजीव हैं, वो सजीव किस तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं, उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण का जो तरीका है वो तो हमने पढ़ा, लेकिन जितने भी टाइप हैं, प्रकार हैं जो इस धरती पे हैं अलग अलग टाइप के, उनको कैसे वर्गीकृत किया गया वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दूसरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, सजीवों का वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सजीवों का वर्गीकरण। देखिए, ये टॉपिक नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो रीट का एग्ज़ाम है जो टीचर्स के लिए, उसके अंदर भी ये बैक्टीरिया, फंगी और वायरस के बारे में दे रखा है, तो वहाँ पर भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही कवक के बारे में आते हैं। कवकों के अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वायरस वगैरह उनके क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है यानी जो जैविक वर्गीकरण, सजीवों का वर्गीकरण एक बार हम पढ़ेंगे तभी सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। उसके बाद में ही रियल में जो बायोलॉजी है वो स्टार्ट होती है। तो देखिए, स्टार्टिंग में बहुत से वैज्ञानिक हुए, लेकिन उनमें जो अरस्तु है, जिनको बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, उनसे स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने एक वैज्ञानिक वर्गीकरण यानी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो आप कह सकते हैं पहला जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है, पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण वो किसने प्रस्तुत किया? तो पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण जितने भी सजीव हैं वो किसने प्रस्तुत किया? तो आप कह सकते हैं पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है वो अरस्तु ने प्रस्तुत किया, अरस्तु। तो देखिए, यहाँ अरस्तु ने किस प्रकार से जीवों को वर्गीकृत किया, तो हम कह सकते हैं उन्होंने कोई ना कोई आधार जरूर लिया, और उस आधार के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना वर्गीकरण किया जितने भी सजीव हैं उनका। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने जितने जंतु हैं और पादप हैं उनको वर्गीकृत किया स्पेशली। बाकी सजीवों के बारे में उनको कोई वर्गीकरण की जानकारी इतनी थी नहीं, लेकिन पादपों और जंतुओं को वर्गीकृत किया, और किस आधार पर किया? बोले उनकी सामान्य बाह्य आकारिकी है यानी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसको देख के स्पेशली किया, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं साधारण आकारिकी जो लक्षण हैं उनको देख कर, साधारण आकारिकी लक्षणों को देखकर ये उनका आधार था। अब साधारण आकारिकी लक्षण का मतलब है बाहर से देख के, स्पेशली पौधों को देखकर उन्होंने वर्गीकृत किया। जंतुओं के अंदर आप कह सकते हैं कुछ क्राइटेरिया अलग था, लेकिन फिर भी हम पहले बात करते हैं कि पादपों को कैसे उन्होंने वर्गीकृत किया। तो हम यहाँ पर ऐसे वर्गीकृत कर देंगे कि एक साथ ही कंबाइंडली पढ़ लेते हैं कि जो सजीव हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया। तो जो सजीव जगत है उसमें उनके अकॉर्डिंग दो प्रकार के सजीव थे, पहला था पादप यानी प्लांट्स, ये हम अरस्तु जी की बात कर रहे हैं, और दूसरे जो सजीव थे वो थे जंतु। यहाँ पर हम जगत की बात नहीं कर रहे यानी किंगडम्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पादप और जंतु इन दोनों को उन्होंने वर्गीकृत करने का प्रयास किया। और देखिए किस प्रकार से वर्गीकरण किया, पादपों के बाह्य आकारी के लक्षण के आधार पर उन्होंने पादपों की 3 श्रेणियां बना दी, जो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि जो छोटे पादप दिखने में बिल्कुल छोटे हैं, एकास्टी हैं यानी उनमें कोई ज़्यादा मजबूत लकड़ी नहीं है जैसे हम साग सब्जी यूज करते हैं, तो उन्होंने जो पहली श्रेणी बनाई वो बनाई शाक यानी हर्ब्स, क्लियर, छोटे पादप। फिर उसके बाद में दूसरी श्रेणी बनाई झाड़ी, आम भाषा में
जो झाड़ी है उसका मतलब ये है कि बड़ा जो वृक्ष होता है और जो छोटे शाख होते हैं उनके बीच वाले ऊंचाई वाले जो पादप झाड़ी एंड देन वृक्ष यानी ट्रीज, इस प्रकार से उन्होंने ये वर्गीकरण किया। तो यहाँ पर तो एक शुरुआती तौर पे उन्होंने बताया इसलिए पढ़ रहे हैं, बाकी इसका ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक ऐसे ही जंतुओं को भी उन्होंने वर्गीकृत किया, लेकिन जंतुओं को वर्गीकृत करने का उनका जो तरीका था वो कुछ डिफरेंट था। एक तो उन्होंने ऐसे क्लास बनाई ऐसे जंतुओं की जिनके अंदर RBC जो है वो नहीं थी, और उसका नाम दे दिया एनेमा। ठीक है ना, क्या नाम दे दिया? एनेमा। तो इन जंतुओं को एनेमा बोल दिया, और इनके रक्त में क्या थी? इनके रक्त में RBC अनुपस्थित थी, यानी RBC थी ही नहीं। इस प्रकार से उन्होंने एक श्रेणी तो ये बना दी। दूसरी श्रेणी जंतुओं की बनाई, उसमें ये बताया कि उस जिन जंतुओं के रक्त में RBC उपस्थित है यानी लाल रक्त कणिका उपस्थित है, उनको उन्होंने इस तरीके से नाम दे दिया इनेमा। ठीक है ना, और इनेमा श्रेणी में जो जंतु थे उनके रक्त में क्या थी? रक्त में RBC पाई जा रही थी, यानी RBC उपस्थित थी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे वैज्ञानिक बाद में हुए और उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण जीवों का दिया। ये एक शुरुआती वर्गीकरण था जो अरस्तु जी ने प्रस्तुत किया, और यहाँ पर ये वर्गीकरण में स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि एनेमा और इनेमा ये जो कैटेगरी हैं इनका बेसिक तात्पर्य क्या है, एक तो ये ध्यान रखना है। क्लियर, ये आपको स्पेशली बाय चांस, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है देखने में, लेकिन जब इस पर हम गौर नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है, भूल जाते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो हम बोलेंगे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण अरस्तु ने प्रस्तुत किया। ये दो ही क्वेश्चन यहाँ पर जनरली बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और उन वैज्ञानिकों ने अपने अपने वर्गीकरण प्रस्तुत किए। तो पहला जो जगतीय वर्गीकरण है वो है दो जगतीय वर्गीकरण, यानी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कुल मिला के यहाँ पर दो जगतों का मतलब है टू किंगडम बना दिए गए, टू किंगडम। अब ये दो किंगडम पहले तो कौन कौन से हैं और किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके प्रस्तुतकर्ता कौन है, तो हम बात करेंगे प्रस्तुतकर्ता यानी किस वैज्ञानिक ने ये वर्गीकरण दिया। तो इस वैज्ञानिक का नाम काफ़ी फेमस है और इनका नाम है, आप पहले सुन चुके हैं, कैरोलस लीनियस। और इन्होंने ये वर्गीकरण दिया यानी सजीवों को दो जगतों में बांट दिया, कब? सन 1758 में ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये वर्गीकरण है सन 1758 में कैरोलस लीनियस ने प्रस्तुत किया, तो इन्होंने किस आधार पर प्रस्तुत किया? तो पहले तो हम ये बता देंगे कि इन्होंने जो सजीव हैं उनको दो जगतों में बांट दिया। सजीवों को कितने जगतों में? दो जगतों में। कौन कौन से? पहला तो पादप जगत और दूसरा जंतु जगत, यानी प्लांटी किंगडम, प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, यानी जितने भी धरती पर सजीव हैं उनको दो श्रेणियों में इन्होंने बांट दिया। अब इसके बाद में फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया कि बांटा किस आधार पे, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ देखिए आधार क्या था वर्गीकरण का। तो अगर आधार की बात करें तो हमें यहाँ पर ये पता रहना चाहिए कि पादप और जंतुओं को उन्होंने अलग अलग किया तो कुछ अंतर थे उनमें, वही आधार बनाया होगा। तो यहाँ देखिए आधार क्या है,
सबसे पहला जो आधार है वो तो ये है कि उसके अंदर जो कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति का आधार लिया, यानी कोशिका भित्ति है या नहीं है इस आधार पे वर्गीकृत किया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ कह सकते हैं पहला आधार कोशिका भित्ति लिया, तो अब यहाँ कह सकते हैं कि पादप जितने भी हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु जितने भी हैं उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी सेल वॉल को उन्होंने आधार लिया। अब यहाँ पर और भी सजीव हैं, तो और सजीव कौन कौन से थे, तो बोले उसमें जीवाणु भी आ गए, कवक भी आ गए, तो उनमें भी कोशिका भित्ति होती है, तो कवक और जीवाणु भी पादप जगत में उस समय उन्होंने शामिल कर दिए थे। इन पे कोई उन्होंने कोई खास व्याख्या नहीं दी, लेकिन पहला आधार कोशिका भित्ति था। फिर उसके बाद में जो दूसरा आधार था वो क्या था, दूसरा आधार था पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि पोषण जो अपना खुद पोषण बना लेते हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, उनको हम स्वपोषी बोलते हैं। तो पादप क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनको हम विषमपोषी या परपोषी बोलते हैं। तो जंतु हैं वो विषमपोषी हैं, अपना पोषण आप कह सकते हैं खुद नहीं बनाते हैं। तो पोषण के आधार पर आप कह सकते हैं यहाँ पर वर्गीकृत किया उन्होंने, और पोषण का आधार क्या था कि या तो स्वपोषी हैं या फिर विषमपोषी या परपोषी हैं, इस आधार पे इन्होंने वर्गीकृत कर दिया, परपोषी या विषमपोषी ऐसे वर्गीकृत कर दिया। तो यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि पोषण के आधार पे उन्होंने जंतु और पादप जगत को अलग अलग बनाया, क्योंकि जंतु विषमपोषी होते हैं, पादप स्वपोषी होते हैं, क्लियर। इसके बाद में जो तीसरा जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा वो था गमन, गमन यानी लोकोमोशन यानी चलने का गुण। तो वैसे तो आप कह सकते हैं जो पादप हैं वो चल नहीं सकते, स्थिर रहते हैं, और जंतु चल सकते हैं, तो ये उन्होंने इस आधार पे दोनों को अलग अलग श्रेणी में रख दिया। इसके बाद में फ्रेंड्स चौथा जो आधार था वो था कि पादप और जंतु दोनों ही सजीव हैं और बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदना प्रदर्शित करते हैं, बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदना प्रदर्शित करते हैं। ये हमने लिविंग वर्ल्ड में सजीव जगत में पढ़ा कि सजीव का एक गुण है, लेकिन जंतु जो है वो बाह्य उद्दीपनों के प्रति संवेदना बड़ी तीव्र गति से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पादप हैं वो इतने तीव्र गति से प्रदर्शित नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर कम और ज़्यादा का अंतर है, बाकी उद्दीपनों के प्रति संवेदना पादप भी प्रदर्शित करते हैं, जंतु भी, लेकिन पादप कम संवेदना प्रदर्शित करते हैं, जंतु ज़्यादा संवेदना प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इन दोनों को अलग अलग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये गैरोलस लीनियस साहब ने भी ऐसे ही किया। फिर उसके बाद में जो पाँचवा है वो है संकुचनशील संरचना की उपस्थिति। देखो संकुचनशील संरचना यानी ऐसी संरचना शरीर के अंदर जो संकुचित होती है, ठीक है ना। तो संकुचनशील संरचना की उपस्थिति का मतलब है शरीर के अंदर ऐसी संरचना जो संकुचनशील होती है, यानी उसमें संकुचन होता है। तो जंतुओं के अंदर ऐसी संरचनाएं उनमें संकुचन होता है और वो अपने अंगों को अपने शरीर को संकुचित कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन पादपों में ऐसी संरचना नहीं पाई जाती। द्विजगतीय वर्गीकरण की सीमाएं क्या क्या हैं, यानी कमियां क्या हैं, यानी इसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन इन पे बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और हमें पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हम कहेंगे कि इन्होंने एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय जीवों को अलग अलग किया ही नहीं, तो आप कह सकते हैं यह वर्गीकरण जो है क्या अंतर नहीं कर पाया, ये निम्न में विभेदन नहीं कर पाया। तो आप कह सकते हैं इसकी जो कमियां हैं उसको हम ऐसे कह सकते हैं, यह वर्गीकरण निम्न विभेदन
यह वर्गीकरण निम्न विभेदन करने में या निम्न में विभेदन करने में असक्षम था, यानी क्या विभेदन नहीं कर पाया, किस किस में विभेदन नहीं कर पाया ये वर्गीकरण। तो पहला तो हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सजीवों में अंतर यानी विभेदन नहीं कर पाया, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय सजीवों में अंतर सजीवों में विभेदन, अंतर का मतलब उनमें डिफरेंस पता ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सारे पादप और जंतु दो ही भागों में बांटती है, दोनों पादपों को कहें तो सारे क्या हैं, बहुकोशिकीय हैं, कुछ पादपों को छोड़ के, शैवाल श्रेणी को छोड़ के सारे जंतु क्या हैं, बहुकोशिकीय हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने ये नहीं बताया कि ये एक कोशिकीय सजीव है और ये बहुकोशिकीय सजीव है, जो आगे के वर्गीकरण में हमें पता चलेगा तो वहाँ देखेंगे। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में वर्गीकरण ये या विभेदन ये नहीं कर पाया। अब फ्रेंड्स दूसरा जो है, आपने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका नाम सुना होगा, तो जिन सजीवों के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में विभेदन ये भी नहीं कर पाया, यानी यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का मतलब जो कम विकसित कोशिका वाले हैं जैसे जीवाणु हैं वो, और यूकैरियोट्स मतलब बाकी उच्च श्रेणी के जिसमें पादप भी आ गए, जंतु भी आ गए, कवक भी आ गए, ठीक है ना। तो ये विभेदन ये नहीं कर पाया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग नहीं किया इन्होंने। तो ये भी एक इसकी सीमा थी, ये भी एक इसकी कमी थी। उसके बाद में देखो इन्होंने पादपों के अंदर ही शैवालों को भी शामिल कर लिया और कवकों को भी शामिल कर लिया। भाई पादप हरे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, शैवाल भी स्वयं बनाते हैं, लेकिन शैवालों के जैसे ही मिलती जुलती संरचना है कवक, तो कवक को भी उसी में शामिल कर लिया। तो शैवाल तो प्रकाश संश्लेषी होते हैं लेकिन कवक प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं, उनमें यह अंतर नहीं कर पाया। तो आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषी हरे शैवाल, प्रकाश संश्लेषी हरे शैवाल व अप्रकाश संश्लेषी, अप्रकाश संश्लेषी कवक, अप्रकाश संश्लेषी कवकों में विभेदन ये नहीं कर पाया। तो फ्रेंड्स यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है आपको कि प्रकाश संश्लेषी शैवाल हरे शैवाल, भाई शैवाल तो हैं वो हरे होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना, पादप जगत के अंदर ही इनको शामिल किया। अब जो कवक हैं वो भी शैवालों जैसे ही होते हैं, शारीरिक संरचना इनकी देखें तो, लेकिन ये हरे नहीं होते यानी ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो दिखने में एक जैसे हैं दोनों, इसलिए इनको रख दिया एक ही श्रेणी में, लेकिन उनमें अंतर किया ही नहीं, वास्तव में अंतर है उनमें, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं कवक और ये प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, लेकिन दोनों के अंतर को नहीं बताया, ठीक है ना। तो ये एक कमी हो गई। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ सजीव ऐसे भी थे जिनमें जंतुओं के गुण भी थे और पादपों के गुण भी थे, उनको अलग अलग नहीं कर पाए ये। तो इन्होंने क्या किया कि जो क्लेमाइडोमोनास है, देखो स्पेशल एक नोट है जो एनसीईआरटी बेस्ड है और इसमें आपको ये याद रखना है कि क्लेमाइडोमोनास युगलिना, ये हम आगे की क्लासेज में इनके नाम आएंगे आगे, वह अवपंक पफूंद यानी स्लाइम मोल्ड्स, ये ऐसे सजीव हैं जो पौधों जैसे भी दिखते हैं और जंतुओं जैसे भी दिखते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास युगलिना व अवपंक पफूंद है, इन दोनों इनमें कैसे लक्षण हैं, जंतु व पादपों के दोनों के लक्षण हैं, क्या है, जंतुओं व पादपों के लक्षण इनके अंदर हैं। तो
इनको भी अलग अलग नहीं कर पाए कि किस श्रेणी में रखें, क्योंकि जब दोनों ही लक्षण हैं तो एक को बांट के दो में तो रख नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ बता नहीं पाए ये, ठीक है ना, एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि रियल में इनको किस श्रेणी में रखें। तो क्लेमाइडोमोनास युगलिना और अपंग पफूंद के अंदर दोनों लक्षण हैं, जंतुओं में पादपों के लक्षण हैं, और द्विजगतीय वर्गीकरण यानी लीनियस साहब ने इनको है ना इनके विभेदन को नहीं बताया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये लीनियस साहब का जो वर्गीकरण था ये फेल हो गया। हालांकि आरंभिक वर्गीकरण है, हमारे लिए जानना जरूरी है किसने प्रस्तुत किया और इन्होंने बेस बनाया उसी के बाद में तो आगे के वैज्ञानिकों ने काम स्टार्ट किया। तो देखिए इसके बाद में है तीन जगतीय वर्गीकरण। तो नेक्स्ट देखिए तीन जगतीय वर्गीकरण यानी थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम यानी तीन किंगडम बना दिए। अब ये तीन जगतीय वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो आपको यहां पर प्रस्तुतकर्ता का जो नाम है वो आना चाहिए। तो प्रस्तुतकर्ता जो हैं वो हैं हीकल साहब हैं। किसने प्रस्तुत किया, हीकल ने, ये आपको आना चाहिए क्योंकि हीकल ने ये सन 1860 में प्रस्तुत किया था, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और साथ में यहाँ कौन कौन से, यानी दो तो पहले से जगत थे, अब तीसरा जगत कौन सा इन्होंने बना दिया, तो देखिए जो जगत है उसमें पहले तो पादप जगत था, जंतु जगत भी था, ये अवधारणा तो लीनियस साहब ने पहले ही दे दी थी। अब इन्होंने तीसरा जगत और प्रस्तुत किया और उसका नाम था प्रोटिस्टा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तीसरे नंबर पे यानी तीन जगतीय वर्गीकरण में जो नया जगत है वो कौन सा शामिल किया गया, तो हम बोलेंगे प्रोटिस्टा को शामिल किया गया। तो आपको ये रिमेम्बर रखना है प्रोटिस्टा को शामिल किया। अब प्रोटिस्टा जो शब्द है यानी ये जो वर्ड है ये एक वैज्ञानिक ने दिया, ये शब्द है ये सी कुवियर नाम के वैज्ञानिक हैं, सी कुवियर इन्होंने ये शब्द दिया। भाई वर्गीकरण तो इन्होंने किया लेकिन ये जो नाम है ये जो शब्द है ये सी कुवियर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। अब आप यहाँ पर वर्गीकरण का जो तरीका देखें भाई किस आधार पे इन्होंने वर्गीकरण किया, तो यहाँ हम बताएंगे आधार, क्या आधार था। तो देखिए यहाँ पर आप पहले पादप जगत और जंतु जगत को पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमने ये बताया था कि इनका आधार पोषण से, कोशिका भित्ति से, गमन से संबंधित था। लेकिन अब हम यहाँ बताएंगे कि पादप और जंतु जगत तो इसमें भी शामिल है, कुछ को निकाल के प्रोटिस्टा में डाल दिया है, तो ये किस आधार पर डाला है। तो बोले जितने भी एक कोशिकीय सजीव थे, चाहे वो पादपों में थे चाहे वो जंतुओं में थे, सबको निकाल करके प्रोटिस्टा में डाल दिया, तो एक कोशिकीय का अलग से जगत बना दिया। तो यहाँ पर आधार हो गया सभी एक कोशिकीय सजीवों को शामिल किया, सभी एक कोशिकीय सजीवों का समूह है बनाया, यानी यही आधार था, सबको निकाल लिया और इसमें अधिकांश एक कोशिकीय सजीवों को इधर ही शामिल कर दिया प्रोटिस्टा में। हालांकि एक कोशिकीय सजीवों को इन्होंने शामिल किया लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा जगत में इन्होंने किस चीज़ को यानी कौन से प्राणियों को इसमें रियल में शामिल किया, तो उनके उदाहरण आपको जरूर पता होना चाहिए। तो एक तो बोलेंगे जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया। जीवाणु के अलावा प्रोटोजोवा के अलावा अवपंक पफूंद ठीक है ना, तो इनको इसमें शामिल किया। और वैसे इन्होंने कवकों को भी इसी में शामिल कर दिया था लेकिन बाद में कवकों को अलग कर दिया गया है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये
तीन जगतीय वर्गीकरण था। अब इस तीन जगतीय वर्गीकरण की सीमाएं देखो, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है। तो अगर हम सीमाओं की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें, तो इन्होंने एक कोशिकीय सजीवों को अलग तो कर दिया, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय वाली प्रॉब्लम को तो कुछ हद तक सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में विभेदन नहीं किया है, यानी अभी भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स को अलग अलग नहीं किया है। तो देखो इसकी भी लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशन क्या है कि प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स के विभेदन में असक्षम, प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स के विभेदन में असक्षम। अभी हम आगे जब पांच जगतीय वर्गीकरण पढ़ेंगे तब हम ये भी बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ विशेष लक्षण सारे बताएंगे उदाहरणों के साथ में। तो आपको ये सीमा स्पेशली याद रखनी है कि इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग नहीं किया, यानी ये इनका एक मुख्य सीमा रह गई, ठीक है ना, ये मुख्य लिमिटेशन था। इसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है चार जगतीय वर्गीकरण। तो देखिए नेक्स्ट चार जगतीय वर्गीकरण यानी फोर किंगडम, यानी चार जगतों में सजीवों को बांटा, लेकिन ये चार जगत कौन से हैं ये नाम होना चाहिए, यानी चौथा जगत कौन सा था और प्रस्तुतकर्ता कौन है इसके। तो हम सबसे पहले तो प्रस्तुतकर्ता की बात करेंगे कि ये वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी सिंपल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, जैसे रीट वगैरह के अंदर पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉपलैंड ने सन 1938 में ये वर्गीकरण कॉपलैंड ने प्रस्तुत किया। अब देखिए कॉपलैंड ने ये जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया चार जगती वर्गीकरण, इस वर्गीकरण के अंदर आप कह सकते हैं इन्होंने एक नया जगत शामिल किया, और ये नया जगत क्या था, तो हम बात करते हैं, पहले तो हम बात करते हैं पादप जगत तो था, जंतु जगत भी था, और प्रोटिस्टा जगत बना ही दिया था पहले, ठीक है ना। चौथा जो जगत वो शामिल हुआ मोनेरा जगत। तो देखो कॉपलैंड साहब ने चौथा जगत और बना दिया। अब चौथा जगत किस आधार पे बनाया, तो बोले चौथा जगत का जो आधार है वो ये है कि अभी तक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर नहीं हुआ, तो इन्होंने जितने भी प्रोकैरियोटिक सजीव थे उनको मोनेरा जगत में शामिल कर दिया, उनको अलग निकाल लिया। तो आप कह सकते हैं इनका जो आधार था वो है सभी प्रोकैरियोट सजीवों को शामिल किया, सभी प्रोकैरियोट्स सजीवों का समूह है बनाया, और उसको नाम क्या दे दिया, मोनेरा जगत। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी प्रोकैरियोटिक सजीवों को एक जगह रख दिया और उसको नाम दे दिया मोनेरा जगत, यानी कुछ हद तक इन्होंने, अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो देखो एक कोशिकीय बहुकोशिकीय की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ समस्याएं रह गई हैं। तो देखो इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो कमियां हैं वो क्या हैं। तो देखो सीमाएं इस वर्गीकरण में क्या रह गई, क्या कमियां रह गई, तो बोले अभी भी हमने पादप और कवकों के बीच में अंतर नहीं किया है, पर जंतुओं को अलग रख दिया, प्रोकैरियोट्स को भी अलग रख दिया, प्रोटिस्टा के अंदर जो एककोशिकीय जो सजीव थे जो यूकैरियोट्स थे उनको भी रख दिया, है ना, लेकिन पादप और कवकों को, यानी कवक और पादपों में अंतर नहीं बताया। तो आप कह सकते हैं सीमा हो गई पादपों व कवकों के विभेदन में असक्षम, यानी यहाँ तक ये अभी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, इसलिए इस वर्गीकरण की ये एक सीमा हो गई, विभेदन नहीं कर पाए। तो अब इसके बाद में जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया और वो था पांच जगतीय वर्गीकरण। तो पांच जगतीय वर्गीकरण अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वो देखिए किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए पांच जगतीय वर्गीकरण
पांच जगतीय वर्गीकरण, यानी अब जितने भी सजीव हैं उनको पांच जगतों में बांट दिया गया है, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कितने किंगडम बना दिए? फाइव किंगडम बना दिए। अब ये यहाँ पर प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो प्रस्तुतकर्ता जो वैज्ञानिक है उसका नाम आपको आना चाहिए कि पांच जगतीय वर्गीकरण के प्रस्तुतकर्ता कौन हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और उनका नाम है, क्या नाम है? RH Whittaker या Whittaker बोलते हैं, RH Whittaker। इन्होंने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया और ये वर्गीकरण जो है काफ़ी माना हुआ और मतलब काफ़ी सुलझा हुआ वर्गीकरण है। इसमें सारी समस्याएं सोल्व हो गई हैं, सभी सजीवों को उनके अंदर जो लक्षण हैं उनके आधार पे हमने आसानी से Whittaker साहब ने वर्गीकृत कर दिया है। तो अब यहाँ पर इनके जो आधार हैं वो क्या हैं, तो आइए देखते हैं क्या वर्गीकरण के आधार थे। तो देखिए, पाँच जगतीय वर्गीकरण के आधार से पहले हम यहाँ पर ये जान लें कि ये पांच जगत कौन कौन से हैं। तो चार जगत के नाम तो हम पहले से जानते हैं, एक तो है पादप जगत, दूसरा है जंतु जगत, और तीसरा प्रोटिस्टा आया था, प्रोटिस्टा के बाद में मोनेरा आया, मोनेरा। और अब पांचवें जगत का जब प्रस्तुतिकरण हुआ तो Whittaker साहब ने एक जगत और बना दिया और वो है कवक जगत। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पर ये पांच जगत हैं, पांचवां जगत है कवक जगत है, और ये कवक जगत है ये आप कह सकते हैं कुछ अलग है पादपों से, कुछ अंतर हैं, उन अंतरों के आधार पे ही इन्होंने बांटा है, अलग किया है। लेकिन इस वर्गीकरण के बारे में NCERT में एक लाइन लिखा हुआ है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि यह वर्गीकरण सबसे आधुनिक व जाति वृत्तीय फाइलोजेनेटिक सबसे आधुनिक व जाति वृत्तीय वर्गीकरण है। ये NCERT में लाइन है, सबसे आधुनिक व जाति वर्तीय वर्गीकरण का मतलब ये है कि ये सबसे आधुनिक का मतलब तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, और जाति वर्तीय का मतलब है कि जितने भी सजीव इस हम इसमें पढ़ेंगे इन पांचों जगतों के अंदर, वो एक दूसरे से उनका जो उद्विकास है, उनका जो इवोल्यूशन है वो रिलेटेड है, यानी उन्हीं से एक से दूसरे का विकास हुआ है, जातियाँ एक से दूसरे से ही बनी है। ये अलग अलग जो प्रजातियाँ हैं वो पहले कुछ सजीव आए उनसे ही, उन्हीं में ही विकास और बनते गए। तो ये जो पांच जगतों का जो क्रम है ना, उस क्रम के हिसाब से हम यहाँ बता देंगे कि साहब एक तरीके से ये सारे सजीव एक दूसरे से ही बने हुए हैं, यानी पहले शुरुआत में कुछ कम विकसित सजीव आए, फिर उनमें विकास होता गया और नए बनते गए। हालांकि ये तो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है बाद में, बाकी अगर एक्चुअल सिक्वेंस देखें तो सबसे पुराने जो एनिशियंट सजीव हैं वो हैं मोनेरा, ठीक है ना, और सबसे जो एडवांस है वो है जंतु, जिसमें आप कह सकते हैं ह्यूमन कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, वैसे तो सब में अलग अलग बाद में इवोल्यूशन हुआ है, पादपों में अलग, जंतुओं में अलग, लेकिन ये आपस में रिलेटेड हैं, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, अब हम देखते हैं कि इसका वर्गीकरण का आधार क्या है, यहाँ पर किस आधार पर पाँच जगत हैं वो बनाए गए हैं। तो देखिए, वर्गीकरण के आधार की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला जो आधार है वो है कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, यानी सेल किस टाइप की है, कोशिका किस प्रकार की है। तो कोशिका की संरचना में आप कह सकते हैं कि या तो कोशिका प्रोकैरियोटिक होगी, प्रोकैरियोटिक, या यूकैरियोटिक। तो इस आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स को अलग बना दिया, यूकैरियोट्स को अलग। तो ये एक तो ये आधार था, क्लियर। फिर उसके बाद में था शारीरिक संगठन या शारीरिक जटिलता, शारीरिक संगठन / जटिलता। इसका मतलब ये है
कि जो सजीव है उसके शरीर में कोशिका एक है या ज़्यादा है, यानी एक कोशिका से बना हुआ या बहु ज़्यादा कोशिकाओं से बना हुआ है, तो हम कह देंगे वो एक कोशिकीय है या फिर बहु कोशिकीय है। तो ये भी एक वर्गीकरण का आधार हो गया, इस आधार पे भी इन्होंने वर्गीकृत किया। फिर तीसरा आधार इन्होंने लिया पोषण का, पोषण यानी न्यूट्रिशन, यानी पोषण का प्रकार। तो पोषण के प्रकार में इन्होंने बोला कि साहब या तो स्वपोषी है या फिर विषम पोषी या वित्तपोषी है। तो इस प्रकार से ये आधार भी इन्होंने लिया, ठीक है। तो ये जो तीन आधार हैं ये तो हमें जनरली समझ में आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दो आधार और लिए, और एक था जनन यानी रिप्रोडक्शन, और दूसरा है जाति व्रतीय संबंध। जाति व्रतीय संबंध, ये दो आधार यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर इन दोनों, इन तीनों को देखोगे तब तो हमें समझ में आता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को अलग अलग कर दिया, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय को अलग अलग कर दिया, स्वपोषी और विषमपोषी को अलग कर दिया, लेकिन जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है वो भी अपने आप में महत्व रखता है, साथ में जाति व्रतीय संबंध क्या एक दूसरे से किसका उद्भव हुआ है वो संबंध वो भी। तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो सारे पॉइंट पाँचों मेंशन हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो स्पेशली आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, ये तो याद रह जाएंगे, क्लियर। यहाँ क्वेश्चन ये आएगा कि जो पांच जगतीय वर्गीकरण का जो आधार है, बेसिस है, वो निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना है, ये आधार हैं। अब हम चलते हैं जो पांच जगतीय वर्गीकरण के अंदर जो पांचों जगत हैं इनके कुछ लक्षणों के बारे में, इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं उनमें कंपेरिजन करते हैं जिससे इनका कंसेप्ट समझ में आएगा। तो देखो पांचों जगतों को हम तुलनात्मक तरीके से पढ़ें तो एक ऐसे सारणीबद्ध तरीके से हम पढ़ेंगे, एक सारणी बना लेंगे, टेबल बना लेंगे, और इस टेबल में जो पहला कॉलम होगा उसमें हम लिखेंगे लक्षण, जिस लक्षण की हम बात कर रहे हैं वो, क्योंकि लक्षण के आधार पे तुलना करेंगे। यहां पर लिख देंगे मोनेरा जगत, दो नंबर पे लिख देंगे प्रोटिस्टा जगत, तीन नंबर पे लिख देंगे कवक जगत, पादप जगत, और लास्ट में लिख देंगे जंतु जगत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम तुलना ये करेंगे कि पांचों जगतों के अंदर जो सजीव हैं उनके कुछ मुख्य लक्षण हैं उनमें तुलना कर लेते हैं जिससे एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा आपका हमेशा। तो इसमें पहला जो लक्षण है वो है कोशिका का प्रकार, यानी कोशिका किस प्रकार की है, क्लियर। यहां पर हम बताएंगे कि मोनेरा जगत के अंदर जो कोशिका है वो किस प्रकार की है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, है ना, मोनेरा में, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, कवक में यूकैरियोटिक, पादपों में भी यूकैरियोटिक, और जंतुओं में भी यूकैरियोटिक। तो यहां पर आपने देखा कि केवल एक जगत है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी प्रोकैरियोटिक सजीव होते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है, वो है मोनेरा। फिर उसके बाद में दूसरा जो लक्षण ये देखा कि शारीरिक जटिलता, शारीरिक जटिलता का मतलब है शरीर कितना जटिल है, कोशिकाएं उसमें कम है या ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि एक कोशिकीय सजीव और बहु कोशिकीय सजीव,
यानी जिनमें शरीर में एक ही कोशिका है वो एक कोशिकीय हैं और जिनमें एक से अधिक है वो बहुकोशिकीय हैं। तो यहाँ पर हम बात बता देंगे कि साहब जो मोनेरा जगत के जो सारे सजीव हैं वो कैसे हैं, एक कोशिकीय ही हैं, उनके शरीर में क्या होती है, एक ही कोशिका होती है। प्रोटिस्टा वाले बोले ये भी एक कोशिकीय ही हैं, इनके शरीर में भी एक ही कोशिका होती है, यानी पूरा सजीव एक कोशिका से बना होता है। लेकिन कवक हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, कुछ एग्जाम्पल छोड़ के बहुकोशिकीय, यानी जो अधिकांश हैं वो क्या हो, कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। पादप, पादप भी बोले बहुकोशिकीय ही होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, शरीर में बहुत सारी, कुछ शैवाल को छोड़ करके, ठीक है ना। लेकिन जो जंतु हैं वो सारे के सारे ही बिना अपवाद के ही बहुकोशिकीय हैं, यानी इनके अंदर तो कोशिकाएँ जो हैं वो बहुत सारी होती। तो ये शारीरिक जटिलता के आधार पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कोशिका भित्ति की। भाई कोशिका तो पाई जा रही है इनमें, लेकिन कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति है या नहीं है, ठीक है ना, वो हमें ध्यान देना है। तो देखो जितने भी मोनेरा जगत के सजीव हैं इनके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, पाई जाती है, लेकिन ये कोशिका भित्ति सेलुलोज रहित पदार्थ से बनी होती है, क्योंकि पौधों के अंदर हम जानते हैं सेलुलोज से बनी होती है, तो कोशिका भित्ति क्या होती है, सेलुलोज रहित होती है। हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे कि सेलुलोज से तो नहीं बनी हुई है, लेकिन मोनेरा जगत के अंदर जो कोशिकाएं हैं या जो सजीव हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो वैसे हम बता दें पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशली इतना ही ध्यान रखना है सेलुलोज रहित, क्लियर। फिर उसके बाद में प्रोटिस्टा के अंदर बोले कोशिका भित्ति कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं, कुछ में उपस्थित, कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में नहीं होती है। तो जब इस जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब ये आएगा कि किस में उपस्थित है और किस में नहीं है। फिर कवकों के अंदर बोले सभी में उपस्थित, कवकों में सभी में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर भी सेलुलोज से नहीं बनी होती है, तो ये भी आप कह सकते हैं सेलुलोज रहित होती है, सेलुलोज रहित। देखो सेलुलोज को आप सेलुलोज भी कह सकते हैं, सेल्यूलोज भी कह सकते हैं। पादपों के अंदर पाई जाती है, ये पता है हमें पहले से, पादपों की कोशिका भित्ति में पाई जाती है, और ये कोशिका भित्ति कैसी होती है, बोले सेलुलोज युक्त होती है, क्या होती है, सेलुलोज युक्त, ठीक है फ्रेंड्स। और जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, अनुपस्थित। तो यहाँ पर आपने ये जो डिफरेंस देख रहे हैं, ये जो अंतर देख रहे हैं, यहाँ देखा कि जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति क्या है, नहीं पाई जा रही, बाकी सब में कोशिका भित्ति है, प्रोटिस्टा में भी कुछ में है कुछ में नहीं है, क्लियर। तो ये जो अंतर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में बात करें पोषण की, बात आती है नेक्स्ट, जो अंतर है वो है पोषण का। भाई ये पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हम यहाँ बात करेंगे मोनेरा जगत की, और मोनेरा जगत में ये बताएंगे कि मोनेरा जगत के जो सजीव हैं वो स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं, लेकिन स्वपोषी जो हैं कुछ हैं, जिनके बारे में हम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, और अधिकांश हैं वो विषमपोषी हैं। इनमें पोषण कैसा होता है, जब मोनेरा जगत के बारे में पढ़ेंगे तब सारा डिटेल में आएगा, लेकिन यहाँ ये देखना है कुछ स्वपोषी और कुछ विषमपोषी। ऐसे यहाँ पर कुछ स्वपोषी और कुछ विषमपोषी, ठीक है ना। पहले वाले मोनेरा में तो कुछ ही है स्वपोषी, बाकी अधिकांश विषमपोषी है, लेकिन यहाँ पर लगभग कह सकते हैं कि कुछ है स्वपोषी और कुछ विषमपोषी, यानी दोनों ही प्रकार का पोषण है। और जो कवक हैं वो टोटली विषमपोषी हैं, कैसे हैं, ये विषमपोषी हैं। तो जब हम पोषण पढ़ेंगे हर जगह, तो पोषण में भी आप कह सकते हैं विषमपोषी जो है उसमें भी कई प्रकार बताएंगे, तो वो हम आगे की क्लासेज में जो पढ़ेंगे। यहाँ पर कंसेप्ट लेना है कि कौन केवल विषमपोषी है
कोण दोनों प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ सदस्य स्वपोषी और कुछ विषमपोषी, ऐसे है, ऐसे नहीं है कि एक ही सदस्य दोनों काम कर रहा है। हाँ, प्रोटिस्टा में जरूर हो सकता है, कुछ एग्जाम्पल हैं जो दोनों, यानी कभी जंतु की तरह और कभी पादप की तरह, यानी कभी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और कभी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनमें जरूर हो सकता है, कवकों में सभी में ऐसे ही है। ऐसे ही पादप भी सारे स्वपोषी ही हैं, स्वपोषी हैं, एक्सेप्शन कस्कुटा जो है अमरबेल है उसको छोड़ करके बाकी सारे स्वपोषी, यानी एक है वो एक्सेप्शन, और जंतु हैं ये विषमपोषी होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रमुख आधार थे, क्लियर। अब यहां पर अब हम बात करते हैं उदाहरण की, क्या उदाहरण क्या है, यानी ये हमने अलग अलग वर्गीकृत कर दिया इन आधार के बेसिस पे और सबके लक्षणों को भी बता दिया। अब उदाहरण की बात आती है, तो उदाहरण में हम बात करते हैं कि मोनेरा जगत के अंदर आते हैं जीवाणु, यानी बैक्टीरिया। अब जीवाणु जो है वो कई प्रकार के हैं, वैसे जो वास्तविक जीवाणु है वो, और उसके अलावा नील हरित शैवाल भी होते हैं, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं, नील हरित शैवाल यानी साइनो बैक्टीरिया यानी साइनो जीवाणु, क्लियर। ऐसे ही माइकोप्लाज्मा वो भी इसी में आता है, हालांकि ये जो बहुत सारे उदाहरण हम पढ़ेंगे आगे जब मोनेरा जगत पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक जो बेसिक उदाहरण है वो आपको पता रहने चाहिए, ठीक। ऐसे ही प्रोटिस्टा के अंदर अगर बात करें तो इसमें एक कॉमन उदाहरण लिख देते हैं, एक तो अमीबा आपने नाम सुना होगा, ऐसे युगलिना नाम सुना होगा, युगलिना के अलावा आपने प्लाज्मोडियम नाम भी सुना होगा जो मलेरिया का कारक है, और प्लाज्मोडियम के साथ में आपने पैरामीशियम नाम भी सुना होगा जो चप्पल की आकृति का होता है। हालांकि जब ये जगत हम पढ़ेंगे किंगडम के बारे में तो सारे के बारे में हमें पढ़ना है। कवक, कवकों में उदाहरण दें तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप कॉमन जो अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जो यीस्ट है जो जनरली यूज होता है, यीस्ट है, इसके अलावा मशरूम जो होते हैं जिसको हम कुकुरमुत्ता बोलते हैं, मशरूम, कुकुरमुत्ता, सांप की छांगी राजस्थानी में बोलते हैं, सांप की छतरी बोलते हैं, तो ये कवकों के ही उदाहरण हैं, क्लियर। पादपों में उदाहरण की आपको ज़रूरत नहीं है, पादपों को आगे वर्गीकृत किया गया है स्पेशली, और 5 श्रेणियाँ अलग अलग बनाई गई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो श्रेणियाँ कौन कौन सी बनाई गई, जैसे नाम लिख ले देते हैं कि साहब पादपों के अंदर थैलोफाइट्स हैं, थैलोफाइट्स आएंगे यानी शैवाल, फिर बोले ब्रायोफाइट्स, थोड़े और विकसित पादप, ब्रायोफाइट्स के बाद में टेरिडोफाइट्स, यानी ये जन पादप जगत को आगे अनुभागों में विभक्त किया गया है। चौथा है टेरिडोफाइट के बाद में जिम्नोस्पर्म, हालांकि हम इनको आगे पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एंड देन एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये अपने आप में पूरे चैप्टर हैं, पादप जगत, जंतु जगत, ठीक है ना, वहाँ पर ये पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद में जंतु जो हैं, जंतु जगत को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया है, 11 संघों में विभक्त। अब ये संघों में विभक्त है कौन कौन से हैं, तो बोले नाम तो बहुत सारे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो जंतुओं को 2 उपसंघों में भी बांटा गया है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, है ना। इस तरीके से जंतुओं को 2 आप कह सकते हैं, 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं नोटोकॉर्ड की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे। तो ये तो आगे की क्लासेज का पूरा टॉपिक है, जंतु जगत अपने आप में बड़ा चैप्टर है, चैप्टर मीनिंग पूरा आपका अलग से सिलेबस में दे रखा है। पादप जगत भी ऐसे ही है, कवकों को भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा को भी पढ़ेंगे, मोनेरा को भी पढ़ेंगे, इस तरीके से हम इन सबको पढ़ेंगे। लेकिन अब इसके बाद में एक वर्गीकरण और आया, और वो आया 6 जगतीय वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स वो क्या वर्गीकरण है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है 6 जगतीय वर्गीकरण। 6 जगतीय वर्गीकरण में रियल में देखा जाए तो जो नया जगत है वो मोनेरा से ही विभक्त हुआ है। कार्ल वूज नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको प्रस्तुत किया, तो इसके जो प्रस्तुतकर्ता हैं वो हैं कौन, कार्ल वूज,
तो फ्रेंड्स कार्ल वूज ने ये प्रस्तुत किया, आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और अगर सन की बात करें तो सन 1977 में प्रस्तुत किया था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि जितने भी धरती पे सजीव हैं, सभी सजीव हैं, उनको तीन डोमेन में विभक्त किया, डोमेन सिद्धांत दिया इन्होंने, डोमेन सिद्धांत दिया। और डोमेन सिद्धांत के हिसाब से क्या किया, डोमेन सिद्धांत, डोमेन थ्योरी दिया कार्ल वूज ने। और डोमेन सिद्धांत के अकॉर्डिंग तीन डोमेन हैं, जितने भी सजीव हैं उनको तीन डोमेन में बांट दिया। अब तीन डोमेन में बांटने का जो आधार था वो ये था कि हर सजीव के अंदर जो राइबोसोम है उसमें से जो 60S राइबोसोमल आरएनए यूनिट है, 60S जो आरआरएनए है, 16S जो यूनिट है, उसके जीनों का जो क्रम है, जीनों के क्रम के आधार पर देखो अंतर कहाँ है। पूरे सजीवों को तीन डोमेन में बांट रहे हैं और तीन डोमेनों को किस आधार पे, तो इम्पोर्टेंट है कि 16S आरआरएनए के जीनों के क्रम के आधार पे, यानी इस आरएनए को में जो जीन है, इस आरएनए को बनाने वाले जो जीन है, स्पेशली इस आरएनए को बनाने वाले जीन, उनका क्रम सीक्वेंस अलग अलग है और उसके आधार पे तीन डोमेन में डिवाइड किया गया। और आधार पे डिवाइड कैसे किया गया, देखो तीन डोमेन कौन कौन से हैं, जस्ट आपको इन डोमेनों के नाम पता होना चाहिए और यहाँ पर जो उदाहरण है या फिर जो जगत है वो कौन सा बन रहा है वो आपको बताना है। तो देखो पहला जो डोमेन है वो है आर्किया, आर्किया। दूसरा डोमेन है वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और नेक्स्ट है यूकेरिया, यूकेरिया मतलब इसमें सारे यूकेरियोट्स आ गए, इसमें बैक्टीरिया आ गए और इसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया आ गया। तो कुल देखा जाए तो यूकेरियोट्स में तो प्रोटिस्टा वाले भी यूकेरियोट्स हैं, कवक भी यूकेरियोट्स हैं, पादप भी यूकेरियोट्स हैं, जंतु भी यूकेरियोट्स हैं, तो वो तो सब इसमें आ गए। बचा क्या, मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत के ही दो डिवीजन हैं एक तरीके से ऐसे मान लीजिए। तो आर्किया के अंदर तो आ गया आर्की बैक्टीरिया, क्या आ गया, आर्की बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंदर आपके सारे जो बैक्टीरिया आएंगे, स्पेशली आप जिनको वास्तविक बैक्टीरिया बोलते हैं, यानी यू बैक्टीरिया। क्लियर फ्रेंड्स। और यहां पर यू केरिया के अंदर आपके आपके सारे जगत जिनको आप कह सकते हैं कहां से, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जितने भी अर्थ पे सजीव हैं उनको थ्री डोमेन्स में कार्ल वूज ने डिवाइड किया, और किस बेसिस पे, 16S आरआरएनए के जीनों के क्रम के आधार पे। और ये तीन डोमेन कौन से हैं, बोले आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आर्किया में आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, और बाकी जो चारों जगत हैं मोनेरा के अलावा वो यूकेरिया में। क्लियर। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया जो है इसको अलग क्यों किया गया, क्या विशेष लक्षण हैं इसके, तो इसके लक्षणों की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि जीवाणु को जब पढ़ेंगे, बैक्टीरिया को जब पढ़ेंगे, तो इसकी कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन नामक पदार्थ पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन कोशिका भित्ति में अनुपस्थित होता है। तो देखिए कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन अनुपस्थित होता है, जीवाणुओं में पाया जाता है लेकिन यहाँ पर अनुपस्थित है। तो एक तो ये अंतर हो गया, कोशिका भित्ति कैसे बनी होती है, क्या है ये आर्की बैक्टीरिया, वो बाद में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यू बैक्टीरिया के अंदर, यू बैक्टीरिया में स्पेशली जो कोशिका भित्ति वो पेप्टाइडोग्लाइकेन नामक पदार्थ से बनी होती है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है। तो ये अंतर हो गया ना दोनों में। ऐसे ही दूसरा जो अंतर है कोशिका झिल्ली के अंदर है, और कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है, बोले आर्की बैक्टीरिया के जो जीवाणु हैं, आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका झिल्ली है उसमें साखित श्रृंखला वाले लिपिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, साखित श्रृंखला वाले लिपिड, यानी कोशिका झिल्ली में
कोशिका झिल्ली में साखित श्रृंखला वाले लिपिड उपस्थित, तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी कोशिका झिल्ली कुछ विशिष्ट हो जाएगी। तो साखित श्रृंखला वाले लिपिड की उपस्थिति होती है, इसकी वजह से कोशिका झिल्ली कुछ विशिष्ट हो जाएगी और ये अपने आप में कुछ अलग ही हो जाएंगे। इनके अंदर आप कह सकते हैं ये किसी भी परिस्थिति में रह लेंगे, इनके अंदर कुछ खास बातें आ जाएंगी और कैसे भी वातावरण में रह लेते हैं, तो जब इनको पढ़ेंगे तो हम बताएंगे सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से ये विभिन्न वैज्ञानिकों ने पूरे सजीवों को ऐसे वर्गीकृत किया गया, और लास्ट में हम बोले पांच जगत जगतीय वर्गीकरण में हमने सबको पढ़ ही लिया, लेकिन जो छह जगतीय वर्गीकरण तो वो तो सिर्फ इतना ही है कि थ्री डोमेन का कंसेप्ट बताना है, साथ में मोनेरा जगत के ये दो भाग अनुभाग हो गए एक तरीके से, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, क्लियर। और ये इन दोनों में अंतर है और इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अब फ्रेंड्स हम इसमें आगे की क्लासेज में क्या पढ़ेंगे, हम आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे मोनेरा जगत, मोनेरा जगत में आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे, कवक को पढ़ेंगे, पादप को पढ़ेंगे, जंतुओं को पढ़ेंगे। तो वैसे नीट के लिए तो है सिलेबस, ये इलेवंथ के लिए है इंपॉर्टेंट, वैसे भी इलेवंथ क्लासेज जो राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर, सारा सिलेबस है नीट के लिए एज इट इज़ है। लेकिन जो रीट का एग्ज़ाम है, जो टीचर्स का राजस्थान में जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें स्पेशली बैक्टीरिया को दे रखा है, तो हमें बैक्टीरिया वाला पोर्शन आपको ध्यान में रखना है। बाकी पादप और जो जंतु और कवक हों इनके बारे में जो पढ़ें तो जो आपका जो काम का होगा वो मैं आपको उस टाइम में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये एक बेसिक क्लास पढ़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जैविक वर्गीकरण की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ से आपको ये कुछ क्वेश्चन जो डिज़ाइन होते हैं बेसिक क्वेश्चन, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और जिसने अभी बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।